कानपुर बोर्ड क्लब की कार्यकारी समिति ने आज कानपुर बोर्ड क्लब का लोगो जारी किया। कार्यक्रम का आयोजन आज गंगा बैराज बोर्ड क्लब की खूबसूरत लोकेशन पर किया गया। मोहम्मद तस्लीम की रिपोर्ट, एनी टाइम न्यूज, कानपुर। सर्वप्रथम जितने भी कानपुर के सम्मानित नागरिक हैं, सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको बधाई देता हूँ। और इस चीज़ का बधाई कि जो कंसेप्ट 12 साल पहले सोची गई थी, तो वो अब धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे उसका जो है बेनिफिट आम जनमानस को मिलेगा। आज विशेष करके जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, ये गंगा बैराज का कानपुर का बोट क्लब है। आप स्वयं ने आपने विटनेस किया होगा कि जो सुंदरता से यहाँ पे बनाया हुआ है, कि जो एक नैसर्गिक इसको वैल्यू को रखते हुए, इंटैक्ट रखते हुए बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना भव्य जो है इंडिया में कोई भी ऐसा जगह इतना सुंदर जो है बना होगा। बट ये कि अब जब ये वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिसको बनाया गया था, तो जब तक यहाँ लगातार वाटर स्पोर्ट्स ना हो तो वो उसका कोई बेनिफिट डायरेक्टली पब्लिक को नहीं मिलेगा। तो उसी उद्देश्य से जो है यहाँ पे बोट क्लब का एक अवधारणा की गई थी। और उस बोट क्लब का जो है माध्यम से जो आप पीछे देखेंगे, तो जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो लगभग 40-42 टाइप के अलग अलग बोट्स जो है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट किया गया है। और उसमें सारे बोट्स का यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल होगा इस पर। तो फर्स्ट ट्रायल का ये, क्योंकि जब भी ये बहुत ही एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स है, या कह लीजिए एक डिफरेंट काइंड का स्पोर्ट्स है जो रेगुलर इसमें नहीं होता हर जगह पर, तो उसको देखते हुए कि इसको लगभग 3 से 4 बार ट्रायल किया जाता है सभी बोर्ड्स का। तो उसके बाद फिर जो है वो गो अहेड करते हैं कि हाँ, अब यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स को सक्सेसफुली किया जा सकता है। क्योंकि बोर्ड्स आके हम लोगों का लगभग 6 महीने से 8 महीने हो चुके थे, पर कोविड की वजह से इसको संचालन नहीं हो पाया था। तो कल उसका फर्स्ट ट्रायल जो है हम लोग करने जा रहे हैं इस पर। और इसमें जगह जगह से इसमें हमें यहाँ पे टीम आए हुए हैं, कुछ हरिद्वार से टीम आए हुए हैं, कुछ लखनऊ से टीम आए हुए हैं, दिल्ली से टीम आए हुए हैं, और वो कल यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ का यहाँ पे दिखाएंगे। और ये फर्स्ट ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो गया, तो फिर आगे सेकंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल का भी डेट्स जो है निश्चित किए जाएंगे। तदनुसार जो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब जो है इसको वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे शुरू करने का हम लोग का है। आज देखेंगे तो लोगों का आज जो है अनावरण किया गया है बोट क्लब का, क्योंकि जब भी बोट क्लब की एक्टिविटीज़ होंगे, इसी लोगों के बेस पर जो है बोट क्लब की एक्टिविटीज़ होंगे। और हम लोगों के साथ जो है जिलाधिकारी कानपुर नगर भी है, और VC के लिए नगर आयुक्त, और इसका एक इस लेवल तक लेके आने के लिए नीरज श्रीवास्तव जी ने अपना एक स्पेशल लिखा, और जो हमारे सचिव KDA और अन्य जो अधिकारी है वो भी हम लोग के इसमें हैं। और हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था, उस उद्देश्य की शीघ्र पूर्ति हो और आम जनमानस